सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर स्वागत करते हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि पीएम मोदी के आने से नीतीश कुमार का इंतजार अब खत्म हो गया है। लोजपा के एनडीए में होने या ना होने के मामले में सवाल का जवाब देते हुए चिराग ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से वह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। चिराग के अनुसार भाजपा के नए दौर मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में लोजपा लगातार साथ में है, जबकि नीतीश कुमार 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पिछले दरवाजे से एनडीए में शामिल हुए थे। चिराग ने कहा कि इस चुनाव में लोजपा विधायक जो भी चुने जाते हैं वह भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी। चिराग पासवान ने दोहराया कि लोजपा पूरी तरह से 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए उन्होंने जदयू के प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सोच युवा विरोधी है। बिहार के युवाओं के लिए ना तो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई और ना ही रोजगार की, यही वजह है कि आज भी पलायन जारी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार युवाओं के सुझाव को भी नहीं मानते हैं। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार हिसाब दें कि उन्होंने पिछले 5 साल में बिहार के विकास के लिए क्या किया है। सिर्फ नल जल और पक्की नली गली का विकास नहीं होता। बिहार से पलायन को रोकने के लिए या फिर रोजगार देने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सीएम कब निवेशकों की बैठक बुलाते हैं यह उन्हें मालूम तक नहीं होता। और तो और, सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में खुले हुए कारखाने तक बंद हो गए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो रहा है।